मैं पायल, वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सकें। तो शाहरुख और सलमान की दोस्ती अक्सर पार्टी और फिल्मों में देखी जाती है। दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो रोल करते नजर आए हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों के बीच दुश्मनी ने बॉलीवुड को दो भागों में बांट दिया था। एक तबका शाहरुख का सपोर्टर माना जाता था तो दूसरा तबका सलमान का। आखिर क्यों बॉलीवुड के दोनों खानों के बीच अचानक दरार आई थी? दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2002 में हो चुकी थी, जब सलमान और ऐश्वर्या राय के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी थी। एक दिन चलते चलते के सेट पर सलमान ने आकर खूब बदतमीजी की थी। पहले चलते चलते में शाहरुख के साथ रानी मुखर्जी की बजाय ऐश्वर्या राय थी। फिल्म से जुड़े एक शख्स ने बताया था कि करीब 4 घंटे तक सलमान का ड्रामा चलता रहा था और वो ऐश्वर्या राय का उत्पीड़न कर रहे थे। जब शाहरुख ने सलमान को समझाने की कोशिश की तो सलमान ने कॉलर पकड़ लिया। इस घटना के लिए सलमान ने कोई माफी नहीं मांगी। सेट पर सलमान के इस रवैये की वजह से ऐश्वर्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी साल सलमान और ऐश्वर्या के बीच ब्रेकअप हुआ। वही इस घटना के बाद सलमान और शाहरुख के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। फिर 16 जुलाई 2008 को कैटरीना कैफ के जन्मदिन पर सलमान और शाहरुख दोनों को इनवाइट किया गया। पार्टी में सलमान और शाहरुख समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। कहा जाता है कि पार्टी से कुछ दिन पहले सलमान ने कैटरीना को प्रपोज किया था, जिसे कैटरीना ने स्वीकार कर लिया था। कैटरीना के जन्मदिन में जब सलमान शाहरुख से मिले तो उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका ऐश्वर्या राय के नाम पर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया था। वहीं सलमान भी शाहरुख को उनके रियलिटी शो क्या पांचवी पास से तेज है की कम टीआरपी को लेकर कमेंट कर रहे थे, जबकि उसी दौरान प्रसारित हो रहे शो 10 का दम को दर्शक काफी पसंद कर रहे थे। दोनों के बीच मस्ती चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते मजाक इतना बुरा हो जाएगा इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। हालात बिगड़ने लगे और फब्तियां तेज होती गई। शाहरुख खान के साथ गौरी भी पार्टी में मौजूद थी। बात न बढ़े इसलिए गौरी तुरंत ही शाहरुख को खींचकर पार्टी के बाहर ले गई। वहीं पार्टी में आए आमिर खान ने सलमान खान को समझाने की कोशिश की। सालों तक दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने रहे। फिर शाहरुख ने कई मौकों पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आखिरकार सलमान भी मान गए। दोनों का सामना नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हुई, जहां सलमान ने पहल करते हुए शाहरुख को गले लगा लिया। इसके बाद से दोनों ने कड़वी बातों को भुला दिया।